हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय बिस्सा, लेक्चरर करमन पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम पढ़ेंगे फोटोडायोड के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट वेट सेंसर दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट। इसका अर्थ होता है कि फोटोडायोड एक ऐसा डायोड होता है जो कि एक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करता है। इट इज़ अ लाइट वेट सेंसर, बेसिकली यह एक सेंसर होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेमी कंडक्टिंग डिवाइस विथ पी एन जंक्शन, यह सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होता है पी एन जंक्शन के साथ। थर्ड पॉइंट हमारा है ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। इस डायोड को सदैव रिवर्स बायस में ही ऑपरेट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट। इसका जो पी एन जंक्शन होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट विंडो, जो कि एक ट्रांसपेरेंट विंडो होता है जो कि लाइट को अलाउ करता है। ये हमने इसका डायग्राम बना रखा है। यहाँ दीज आर दी पी सेक्शन, दिस इज एन सेक्शन, और बीच में जंक्शन के आसपास हमने एक ट्रांसपेरेंट विंडो बना रखा है जिसके ऊपर लाइट फॉल होती है। लाइट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स फॉल होते हैं। हमने एक बैटरी लगा रखी है, लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, एंड देन दिस इज अ मीटर करंट मेजर करने के लिए। यह क्या करेगा, लाइट को करंट में कन्वर्ट करेगा। हमें पता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तब जंप करते हैं जब एच न्यू ई जी से ज़्यादा हो। व्हाट इज़ दिस, एच न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एंड ई जी इज़ द बैंड गैप। अगर इन फोटॉन्स की एनर्जी ई जी से ज़्यादा होगी, बैंड गैप से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जो ये सेक्शन है डिप्लीशन लेयर वाला, इसमें हमें मोबाइल एटम्स मिलने शुरू हो जाएंगे, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि इस बैटरी की वजह से लगेगा। इस बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ होगी, एन से पी की तरफ होगी। इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस है, तो जो पॉजिटिव चार्जेज होंगे, जो धनावेश होंगे, उन पर फोर्स विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और जो नेगेटिव चार्जेज होंगे उनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगी। और इस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब लाइट यहाँ फॉल होगी तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल करंट में, और या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। यही इसकी वर्किंग एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड। यहाँ हमने मेंशन कर रखा है फ्री चार्ज जो होंगे वो मूव करने शुरू करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चार्जेस जो फ्री होंगे वो इस लाइट एनर्जी की वजह से होंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड में जब उसे एनर्जी मिलेगी फोटोन के द्वारा तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। और जो वो मूव करना शुरू करेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से फ्लो होना शुरू होंगे। और करंट चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस हमें पता है करंट होती है, करंट तब फ्लो होगी जब चार्जेस मूव करेंगे। इसी तरीके से फोटोडायोड वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। दिस इज़ द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड। हमने यहाँ डायोड को रिवर्स बायस कर रखा है क्योंकि हमें पता है यह सदैव रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। रिवर्स बायस करने से यहाँ वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ हम करंट देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ हो रही है I1, I2, I3 एंड I4, वैसे वैसे वोल्टेज इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वोल्टेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि I4 जो है वो I3 से ज़्यादा है, I2 से ज़्यादा है और I1 से ज़्यादा है। इंटेंसिटी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी यहाँ जो लाइट फॉल होगी उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी इस रीजन में बढ़ेगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे इस करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू होगी, फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इसी कारण यहाँ कर्व में करंट इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं फोटोडायोड के सिंबल की। दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। यह हमने नॉर्मल डायोड का सिंबल बना रखा है एंड दीज आर दी लाइट फॉलिंग ऑन इट। यहाँ हम इसमें
लैम्डा भी शो कर सकते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड के टाइप हम देख सकते हैं पीएन डायोड, नॉर्मल पीआईएन डायोड, शॉर्ट की डायोड एंड एवलांस डायोड। ये चार तरह के फोटोडायोड होते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की कि फोटोडायोड का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना। जो कि लाइट यहाँ फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी हम इस करंट के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। सेकंड इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में वाइडली यूज़ किया जाता है फोटोडायोड का। थर्ड इज स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर में इसका यूज़ करते हैं, जहाँ भी स्मोक डिटेक्टर जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ लगे होते हैं, वहाँ हम फोटोडायोड को इस्तेमाल करके फोटो डिटेक्टर बना सकते हैं। एंड फोर्थ इज रिमोट कंट्रोल इन VCR। हम देख सकते हैं कि TV और VCR के जो रिमोट कंट्रोल्स हैं उनमें हम फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लाइट फॉल होगी, करंट फ्लो होना शुरू होगी और हमारे VCR और TV स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से चार मेजर एप्लीकेशन है जिसमें हम फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर ऑल अबाउट द फोटोडायोड। दिस इज़ द डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम, वर्किंग, IV कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज़ द फॉर्मूला, सिंबल, टाइप्स एंड एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।